हसन यादव की माता और पत्नी के साथ जिस तरह से पाकिस्तान ने दुर्व्यवहार किया उसको लेकर के भारत सरकार ने अपनी पूरी नाराज़गी जताई है और उनको लिख करके भेजा है और आज पार्लियामेंट में भी कहा है उन्होंने कि जिस तरह से पाकिस्तान ने उसमें एक सहमति के बावजूद एक ह्यूमैनिटेरियन गेस्चर दिखाना चाहता था लेकिन जिस तरह से उसमें बेनकाब हुआ है और जिस तरीके से सुहाग की चूड़ी और बिंदी ये सारी चीज़ें उसको उतरवाई गई जूते उतरवाए गए उस पर भी किया और उन्होंने कहा कि उसमें चिप हो सकता है या पाकिस्तान जिस तरीके से जो बात कल कह दिया था हमारे विदेश मंत्रालय ने ये भी साबित हो गया कि जो जूते पहन करके अगर कोई यहाँ से दुबई हो करके एमिरेट से फिर पाकिस्तान गया हो और उसको उतरवा लिया हो और फिर चप्पल पहन के वो गई हो तो फिर जूता देना चाहिए। इससे साफ है कि ये वहाँ के अधिकारियों की नहीं है बल्कि वहाँ की सरकार के इशारे पे इस तरीके से हुआ है और वो कुलभूषण जाधव जो एक व्यापारी हैं निश्चित तौर से जो जिनका कोई वास्ता नहीं था अब वो उसको एक जासूस बना करके और जो जिस तरह से आर्मी कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दी है जबकि कोई युद्धबंदी नहीं है तो उसको जस्टिफाई या इस तरीके से मिसचीव करना चाहते हैं। इस पे साफ है कि भारत सरकार आज पार्लियामेंट ने सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव पास किया है और इसको भारत सरकार गंभीरता से ले रही है और इस बात का प्रयास कर रही है कि हम कुलभूषण जाधव को सुरक्षित ला सकें। सर राहुल गांधी ने बोला है कि संविधान खतरे में है अम्बेडकर का। अब राहुल गांधी जी कह रहे होंगे मुझे लगता है कि राहुल संविधान जो है वो कितना सुरक्षित है कितना महफूज है अगर वो सुरक्षित नहीं होता तो हिमाचल में शायद किस तरह से सत्ता परिवर्तन जनता ने किया है जनादेश और धीरे धीरे किस तरह से ये कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है तो अब उनको ये कहने के बजाय कि संविधान खतरे में है आज कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूत हो रही है तो उनको कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए न कि भारत के संविधान की। भारत के संविधान की चिंता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और जिस तरह से अंबेडकर जी को पहली बार उनके लिए दिल्ली के इस पार्लियामेंट के पास ही कितना बड़ा 400 करोड़ का एक शोध केंद्र बनाया जा रहा है तो अभी तक उनका स्मारक तक भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया था तो इसलिए इसकी चिंता नहीं। ट्रिपल तलाक पे अब लगता है पूरी तरह से बाधाएं समाप्त हो गई। देखिए ट्रिपल तलाक बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यह संवैधानिक आर्बिट्री है और मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हलफनामा दिया था कि हम जब सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं देश में सबको बराबरी का हक है तो खास हमारी अल्पसंख्यक महिलाएं क्यों असुरक्षित रहें क्यों उनके अंदर एक तीन तलाक कह देने से वो अपने बच्चों के साथ सड़क पे आ जाएं ये मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं है बांग्लादेश में नहीं है मोरक्को में नहीं इजिप्ट में नहीं इंडोनेशिया में नहीं पाकिस्तान में नहीं है और सब जगह सजा मुर्ग तो आज ये जो लोग तथाकथित लोग विरोध कर रहे हैं उनको कम से कम उन मुस्लिम देशों से देखना चाहिए कि अगर वहाँ पे ये लॉ नहीं है तो यहाँ की महिलाओं को ये तीन तलाक बना करके क्या उनको गुलामी की दास्ता में रखना चाहते हैं। आज भी उन महिलाओं को आज़ादी से जीने का हक नहीं है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर।